सरोकार। तीन दिवसीय भारत यात्रा पर पहुंचे श्रीलंका के विदेश मंत्री पीरिस आज करेंगे एस जयशंकर से मुलाकात। ईडी की कार्यवाही पर भड़के संजय राउत, बोले राजनीति से प्रेरित है छापेमारी, झूठ बोलने पर भुगतना भी होगा। जेएनयू को मिली पहली महिला वाइस चांसलर, प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी को मिली जिम्मेदारी। रोहित शर्मा का नया रिकॉर्ड, वनडे में ओपनर के तौर पर रन बनाने के मामले में सहवाग से निकले आगे। देश में आज कोरोना के 83,876 नए मामले आए सामने, 895 लोगों की मौत। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। देवरिया में कई सालों से पथरदेवा की जनता अपने विकास की राह को देख रही थी। वहीं पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी परवेज आलम ने कहा है कि उनके पिताजी शाकिर अली के बाद जो भी जनप्रतिनिधि आया है उसने जनता को केवल ठगा है, जिसको जनता अब समझ चुकी है। शाकिर अली के अधूरे कार्यों को अब उनके बेटे परवेज आलम पूरा करेंगे। मुझे भरोसा है पथरदेवा की जनता पे, जो मेरे परिवार के साथ, मेरे साथ जो समाजवादी पार्टी ने अन्याय किया है उसको याद रखते हुए, और मेरे पिता स्वर्गीय साकिर अली साहब और मेरी संघर्ष को, त्याग को, कुर्बानी को, शहादत को याद करते हुए पथरदेवा की जनता मुझे आशीर्वाद देगी। और निश्चित रूप से मुझे भरोसा है कि ये जो भी चाहे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हों, इन दोनों लोगों को हम लोग बुरी तरह से हराएंगे। और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन बस्ती ने शत प्रतिशत चुनाव में मतदान कराने के लिए जनता को जागरूक करने और समाज सेवी सहित कई संगठनों को इस महापर्व पर भाग लेने और चुनाव में शत प्रतिशत मतदान करने को लेकर प्रयास किया। जिलाधिकारी बस्ती सौम्या अग्रवाल खुद गांव गांव जाकर जनता से अपील कर रही है कि शत प्रतिशत विधानसभा चुनाव में मतदान हो। जिलाधिकारी बस्ती सौम्या अग्रवाल ने बताया कि हमारी हर संभव प्रयास है कि बस्ती जनपद में पुराने रिकॉर्डों को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया जाए, जिससे मतदान का परसेंटेज बढ़े और जनता बढ़ चढ़ कर मतदान करे। रोटरी क्लब के साथ मिल करके एक दस्तक अभियान का प्रारंभ किया जा रहा है कि जहां पर भी हम लोगों का वोटिंग प्रतिशत कम रहा है पूर्व के चुनाव में, उन बूथों पे विशेष अभियान चलाया जा रहा है। घर घर जा करके वहाँ पे दस्तक दिया जाएगा और वहाँ पे लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे कि हम लोग अपना मतदान प्रतिशत बढ़ा सकें और इस लोकतंत्र के महोत्सव को और अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। जो है लगातार जो हम लोग का दायित्व है वो निभाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक लोग जो है हम लोगों के साथ जुड़ करके अपने मताधिकार। खबर फरुखाबाद से है, जहां पर सदर में कोई भी प्रत्याशी न होने पर टीम नोटा का गठन किया गया है, जिसमें सभी को नसीहत दी गई है कि मतदान जरूर करें। शहर के कादरी गेट स्थित अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजू मिश्रा के प्रतिष्ठान में आयोजित हुई बैठक के दौरान नगर में कई महत्वपूर्ण लोग पहुंचे, जिसमें भाजपा प्रत्याशी के भी कई पुराने समर्थक शामिल हुए। नोटा के समर्थन में 194 विधानसभा फरुखाबाद में जो लोग नोटा के समर्थन में आ रहे हैं उन लोगों की एक बैठक थी और संगठित तरीके से नोटा का प्रचार प्रसार किया जाएगा। और चूंकि विभिन्न राजनीतिक दलों ने जो जनता के हित के जो चेहरे थे उनको पीछे ढकेल के ऐसे प्रत्याशियों को चयन किया है जो जनता के अहितकारी हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये नोटा की बैठक है और नोटा के साथ पूरे चुनाव के लिए मतदान का। फतेहपुर के खागा थाना अंतर्गत गढ़ोलेपुर में महिला शौच के लिए बाहर गई हुई थी, तभी अचानक किसी के तरफ से पत्नी पर फायरिंग की गई, जिससे महिला को गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया, गंभीर हालत देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार अभी तक तहरीर नहीं दी गई है।
छात्र में 10 बजे के लगभग एक दिलीप नाम के व्यक्ति हैं, दिलीप यादव, अपनी पत्नी के साथ शौच करने के लिए बाहर घर से गए हुए थे और इनकी पत्नी के गले में गोली के निशान एवं पेट में 12 बोर के तमंची से फायर के निशान हैं। इन्हें तत्काल अस्पताल भिजवाया गया और प्राथमिक उपचार कराने के पश्चात हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है और किसी से इनकी कोई दुश्मनी नहीं बताई जा रही। अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है और तहरीर प्राप्त होने पर खबर फतेहपुर से सामने आ रही है, जहां किसान की हत्या से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं हत्यारों ने पहले किसान की आंख फोड़ दी और मौत के घाट उतार दिया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि मलवा थाना क्षेत्र के चितौरा गांव का ये मामला है। खबर रायबरेली से है, जहां पर अनियंत्रित कार पुलिस से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में आग लग गई। एक युवक आग का गोला बनी कार से बाहर निकल सका और उसकी जिंदगी जलकर मौत हो गई। वहीं कार पर सवार 3 युवकों ने अपनी जान बचाई। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। सिद्धार्थनगर में पुलिस भले ही लाख दावे कर रही है कि 24 घंटे सक्रियता बनी रहती है, लेकिन बहादुरगंज चौराहे पर चोरों ने संजय कुमार शर्मा के मेडिकल स्टोर और कपड़े की संयुक्त दुकान सहित दिनेश कुमार के हार्डवेयर की दुकान का शटर और ग्रिल में लगे तारों को तोड़ दिया। पीड़ित दुकानदारों के अनुसार दुकान बंद किया गया था। पुलिस को सूचित किया गया है कि चोरी की घटना का मामला दर्ज करवाया गया है। हमारे छोटे भाई यहाँ कपड़े की दुकान करते हैं, हमारे पिताजी दवा की दुकान करते हैं, हमारे छोटे भाई यहाँ रात निवास करते हैं। कल व्यक्तिगत कारणों से शादी फंक्शन में जाने कारण रात में नहीं आ पाए और चैनल का ताला तोड़ करके, जो कि बाहर 3 लगा था, अंदर से 6 ताले तोड़ करके दुकान से च्यवनप्राश, GRD पाउडर, कुछ टॉनिक और कपड़े की दुकान से लगभग 35,000 का कपड़ा और नगदी 30 से 35,000 तक चोर उठा लगे। बल्कि हमारी दुकान बांसी टॉर रोड के निबिहामा मार्ग पर है और चौराहे पर एक यादव हार्डवेयर की दुकान से भी लगभग ताला तोड़ करके 6,000 उठा ले। हम इसकी सूचना पुलिस को सुबह दिए हैं। पुलिस वहां के SO महोदय आए थे, 2 बार पुलिस आई थी, हम लोग लिखित तहरीर दे दिए हैं दोनों लोग, यादव जी हम और पुलिस। खबर मैनपुरी से है, जहां पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के ट्विटर पर पलटवार करते हुए पूर्व सपा सांसद तेज प्रताप यादव ने कहा कि मौर्य को खुद तो गांव में घुसने नहीं दिया जाता, पहले वो खुद तय कर ले कि कौन उनकी पार्टी का नेता है, क्योंकि भाजपा में सभी बड़े और छोटे नेता एक दूसरे से कुर्सी के लिए खींचतान कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। अभी चुनाव होने वाला है, करेल में ये स्थिति किस तरीके से देखने को मिलेगी? देखिए, योगी जी तो पहले से 85% पे हैं, 100% उनका वोटर तो है नहीं, मुसलमानों को वो अलग मानते हैं। और करहल में आप सर्वे करके देखिए, किसी गांव, आज हम जिस गांव में बैठे हैं यहाँ सभी समाज के लोग हैं और इन्होंने खुद इस मीटिंग को लगवाया और आप देखते हैं बड़ी संख्या में लोग, गांव के सभी लोग मौजूद हैं। आज लोग इनके झूठी बातों से और जो हिंदू मुसलमान और जात पात और जो भेदभाव का काम इस सरकार ने किया, आज उसके खिलाफ एकजुट हैं और रोज़गार के लिए, किसान अपनी खुशहाली के लिए, महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए आज वोट देना चाहती हैं। इसलिए योगी जी के जो वादे और दावे हैं वो केवल खीज है, हाथ सामने दिखाई दे रही, इसलिए वो दूल जुलूल बयान दे रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे करहल की? करहल की जनता ने हमेशा समाजवादी पार्टी और समाजवादी आंदोलन को बहुत मजबूत किया। बड़े बड़े नेता यहाँ से निकले, चुनाव जीते, लोगों ने आशीर्वाद दिया और इस बार पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड बनाने का काम हम लोग करेंगे करहल से। यहाँ के लोग बहुत उत्साहित हैं राशिद जी के आने से। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों के प्रमुख नेता लगातार अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए प्रचार प्रसार करने में पूरा जोर लगा रहे हैं।
इसी कड़ी में भाजपा नेत्री रूबी आसिफ खान ने अपने आवास पर हवन यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें करीब एक दर्जन मुस्लिम महिलाओं ने हिस्सा लिया। वहीं मुस्लिम महिलाओं ने यज्ञ में आहुति देकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीत की कामना की। किस तरह का हवन यज्ञ किया गया था? योगी जी की जीत के लिए किया गया था। क्या उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी की सरकार आए यूपी में फिर से, इसलिए हमने ये हवन यज्ञ रखवाया था। अपनी मुस्लिम महिलाओं के साथ मिलकर सभी ने दुआ की थी, भगवान से प्रार्थना भी की थी कि फिर से विजय पाएं हमारे योगी जी मुख्यमंत्री विजय पाएं। किया गया था आज हमने ये हवन यज्ञ योगी जी की जीत के लिए किया है कि वो फुल बहुमत से जीत कर यूपी में दोबारा मुख्यमंत्री बने। 350 से ज़्यादा हमारी सीटें आए, हमने इसलिए यह हवन यज्ञ किया है। तो मुस्लिम महिलाओं के साथ? मुस्लिम महिलाओं के साथ किया है क्योंकि वो खुश हैं मुस्लिम महिलाएं कि आज उन्हें इज्जत से जीने का मौका मिला है। 3 तलाक कानून जो लागू किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो बहुत खुश हैं इससे, इसलिए वो हमसे जुड़ना शुरू हो चुकी हैं अब, और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित निकल रही हैं, कोई उन्हें डर नहीं है किसी गुंडे बदमाश का। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म है, जहां जनपद की बहुचर्चित विधानसभा तिलोई में इन दिनों सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं कुछ राजनीतिक दलों के गुर्गे सत्ता के नशे में चूर आम जनता पर अपनी धौंस जमाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि जायस कोतवाली अंतर्गत ग्राम खरौली के निवासी पत्रकार मनीष सिंह ने बताया कि मैं पूर्व में मौजूदा विधायक के खिलाफ खबर प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने आदर्श आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया था, जिसको लेकर खबर प्रकाशित होने के साथ ही विधायक के साथ ही उनके गुर्गे पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला करने की धमकी दे रहे हैं, जिसको लेकर पीड़ित पत्रकार ने स्थानीय थाना जायस में तहरीर देते हुए शिकायत की और न्याय की गुहार लगाई। जी, मेरा नाम मनीष सिंह है, मैं पत्रकार खरी कसौटी जनपद अमेठी के कोतवाली जायस में रिपोर्टिंग करता हूँ। क्या हुआ मेरे साथ? ये हुआ कि पूर्व में मैंने एक खबर प्रकाशित की थी, माननीय विधायक जो मौजूदा हैं मैकेश्वर शरण सिंह 178 तिलोई विधानसभा के खिलाफ। उसमें उन्होंने किया क्या था कि उन्होंने कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करते हुए, आचार संहिता को उल्लंघन करते हुए उन्होंने गमछा वितरण का कार्यक्रम किया था और जन रैली को, जन समूह को जो सरकार का नियम है उसके प्रति उन्होंने उसका उल्लंघन किया। उसके बाद मैंने एक खबर जो प्रकाशित की थी उसका मैंने एक ट्विटर पे भी डाला और सब जगह मैंने जो है प्रकाशित किया। अच्छा, उस पर जो है उन्होंने अपने गुर्गों से तमाम तरीके से कई लोगों से मुझे ये कहलवाया कि तुमको जान से मरवा दूंगा, ये है वो है, व्यक्तिगत रूप से किसी दूसरे से। अच्छा, मेरे पास भी फ़ोन आया तो उस समय मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं थी, नहीं तो मैं आपको सुनवाता। तो पत्रकारों के ऊपर जानलेवा हमला करने का धमकी दी जा रही है और विधानसभा के तिलोई का ये मामला है, जहां पे मौजूदा विधायक के खिलाफ खबर चलाने के बाद पत्रकार को धमकियां दी जा रही हैं। आचार संहिता का उल्लंघन करने और साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के बाद जो ये खबर चलाई गई पत्रकार द्वारा, तो उसके ऊपर हमले की साजिश करने और साथ ही हमले की धमकी देने की ये खबर सामने आई है, जिसके बाद पीड़ित पत्रकार ने इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। प्रतापगढ़ में रामपुर खास से विधायक का कांग्रेस की प्रत्याशी आराधना मिश्रा मोना आज नामांकन करेंगी। इसके साथ ही कांग्रेस के सदस्य डॉक्टर नीरज त्रिपाठी, पट्टी से सुनीता सिंह पटेल और रानीगंज से मौलाना अब्दुल वाहिद भी आज नामांकन करेंगे। इस दौरान बसपा जिलाध्यक्ष लालचंद्र गौतम ने बताया कि पार्टी के 5 प्रत्याशी पहले ही नामांकन कर चुके हैं, जबकि सदस्य अशोक त्रिपाठी और रानीगंज से अजय यादव भी आज नामांकन करेंगे। प्रतापगढ़ से ये खबर सामने आ रही है, जहां कई प्रत्याशी आज नामांकन दर्ज करेंगे। आज कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन दर्ज करेंगे, अलग अलग विधानसभा के कई
प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी आराधना मिश्रा मोना आज नामांकन करेंगी। एक बड़ा चेहरा है और कांग्रेस के लिए बड़ा वोट बैंक लेके चलती हैं। और इसके साथ ही कांग्रेस के सदस्य डॉक्टर नीरज त्रिपाठी, पट्टी से सुनीता सिंह पटेल और रानीगंज से मौलाना अब्दुल वाहिद भी आज नामांकन करेंगे। तो बसपा जिला अध्यक्ष लालचंद गौतम ने भी बताया कि पार्टी के पांच प्रत्याशी पहले ही नामांकन कर चुके हैं, जबकि सदस्य अशोक त्रिपाठी और रानीगंज से अजय यादव भी आज नामांकन करेंगे। कई प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। तो चुनाव का समय है और ऐसे में प्रत्याशियों की सूची जारी की जा रही है और प्रत्याशी अपना नामांकन कर रहे हैं। और ये जो नामांकन की प्रक्रिया है काफी समय से चल रही है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे अब सक्रियता बढ़ गई है सभी पार्टियों की। आराधना मिश्रा मोना की बात करें तो उनका भी आज ही नामांकन होना है और कई ऐसे प्रत्याशी है जिनका आज नामांकन होना है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता प्रेम मिश्रा जुड़ चुके हैं प्रतापगढ़ से। प्रेम, क्या कुछ जानकारी है, कितने लोगों ने अभी तक नामांकन कर लिया है और किसका किसका नामांकन होना अभी बाकी है? मिश्रा मोना ने हाल में ही नामांकन अपना पूर्ण कर लिया है और बाबागंज विधानसभा से जी बिल्कुल बता दें कि अन्य सभी प्रत्याशी लगातार अपने क्रमबद्ध तरीके से आ रहे हैं और नामांकन प्रक्रिया बारी बारी से पूर्ण कर रहे हैं। पूरी तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था दिखाना चाहेंगे, पूरी तरीके से मुस्तैद है, लोगों को पूरी तरीके से कोविड का पालन कराते हुए पूरी तरीके से जो यहाँ पे श्रृंखला है वो एक प्रत्याशी के साथ दो व्यक्ति ही अंदर जाने दिया जा रहा है। जो मानक निर्धारित किए गए हैं उसे पूर्ण करते हुए यहाँ पर प्रत्याशी अपने नामांकन प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। जी, ये पूरा नजारा अफीम कोठी प्रतापगढ़ का है। जी प्रेम, जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है आपके पीछे और कौन कौन सी सावधानियां हैं और कौन कौन से नियम कानून है जिनका पालन करते हुए नामांकन किया जाएगा? जी बिल्कुल, बता दें तीन बैरिकेडिंग बनाई गई है। जो तीन बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ से दूर हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, कहीं दूर पर बैरिकेडिंग तीन तरीके से बनाई गई है जहाँ पर विधिवत पूरी तरीके से चेक करके ही केवल मीडिया कर्मियों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। अन्य किसी व्यक्ति को बाहर व्यक्ति को अंदर नहीं आने दिया जाए या फिर प्रत्याशी हो प्रत्याशी के साथ केवल दो व्यक्ति को ही अंदर आने दिया जा रहा है, अन्य व्यक्तियों को बाहर ही रोक दिया जा रहा है। एक प्रत्याशी के साथ दो व्यक्ति अंदर जाकर नामांकन प्रक्रिया पूरी करते हैं। जी प्रेम, अगर बात करें प्रत्याशियों की तो अभी कौन कौन से विधानसभा में प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं, कौन कौन सी पार्टी द्वारा? जी बिल्कुल, बता दें प्रतापगढ़ में लगभग सारे प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, हर दल ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और हर दल तकरीबन प्रतिदिन चार पांच छह सात की श्रृंखला में आकर अपने नामांकन प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। जैसे आज की बात करें तो अभी तक आराधना मिश्रा मोना जी, वीना रानी, बाबागंज से जो प्रत्याशी है कांग्रेस की और सदर से नीरज त्रिपाठी जी है, तो ऐसे ही लगातार आर के वर्मा जी भी पहुंच चुके हैं। नामांकन प्रक्रिया लगातार क्रमबद्ध अपने अपने श्रृंखला के साथ दो प्रत्याशियों के साथ अंदर जा रहे हैं और नामांकन प्रक्रिया पूर्ण कर रहे हैं और नामांकन प्रक्रिया पूर्ण करके बाहर आकर ही मीडिया कर्मियों से रूबरू हो रहे हैं और अपनी जो उनकी मुहिम है जिन रणनीतियों के साथ वो चुनाव प्रक्रिया में लोगों के सामने आ रहे हैं, जिन मुहिम के साथ वो लोगों से रूबरू हो रहे हैं, जनता से अपनी जो विकास की लय है वो बता रहे हैं, वो सारी चीजें वो मीडिया कर्मियों के सामने पेश करते हैं और लगातार कोविड नियमों का पालन करवाते हुए फिर से दिखाना चाहूंगा कि लगातार प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ पर है वो पूरा अमला सुदृढ़ है। एसपी सत्पाल अंतिम की निगरानी में यहाँ पर पूरी तरीके से देखरेख किया जा रहा है, कई संबंधित आला अधिकारी भी मौजूद है। ये पूरा नजारा जो है प्रतापगढ़ अफीम कोठी का है। जी बिल्कुल जी प्रेम, हम चाहेंगे कि आप सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीरें सही से दिखाएं और करीब जाके दिखाएं हमारे दर्शकों को और जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है, बाहर क्या जश्न मनाने का अनुमति है? जिस तरह से कोई भी प्रत्याशी नामांकन के लिए आता है तो कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर जश्न का माहौल देखने को मिलता है, तो क्या इसकी अनुमति है, ये भी जानकारी चाहेंगे? नहीं जी बिल्कुल मैडम, अगर बात करें यहाँ नामांकन स्थल की तो यहाँ पर अब तक कोई भी ऐसे जश्न प्रक्रिया नहीं की गई है। शांतिपूर्वक ढंग से प्रत्याशी आते हैं, अपनी नामांकन प्रक्रिया को पूरी करते हैं, नामांकन करने के बाद वे शांतिपूर्वक यहाँ से जाते हैं। किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति कोई भी जुलूस या किसी भी तरीके से जश्न यहाँ पर अलाउड नहीं किया गया है। कैमरामैन से दिखाएंगे कि वो बात की गई यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की, तो वो आपको व्यवस्थित रूप से दिखाएंगे कि क्या है यहाँ सुरक्षा व्यवस्था। ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो तरीके से चौबंद है, किसी भी तरीके से कोई भी अनियमितता न होने पाए, जिसके लेकर सभी आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और आला अधिकारियों की मौजूदगी में यहाँ पर पूरी तरीके से नामांकन प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा रही है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता प्रेम मिश्रा जुड़े हुए थे और तस्वीरें देख सकते हैं आप, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और नामांकन प्रक्रिया सभी नियम और कानून के साथ पूरी कराई जा रही है। आप देख सकते हैं कि
पुलिस बल को तैनात किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए, सिर्फ दो ही लोगों को प्रत्याशी अपने साथ ले जाके नामांकन कर सकता है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच